Praise the Lord, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल Lots of Manna पे। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो कि वो परमेश्वर हम सभी को जिंदा रखा है उसकी महिमा के लिए। निश्चित तौर से प्रियो, हम जो सब जिंदा हैं, ये केवल इसीलिए ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए प्रियो, हम सब आराधना करें इस घड़ी समय। वचन सुनने से पहले आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें प्रियो। निश्चित तौर से प्रियो, आपको मालूम है आज हमारा ये इच्छा होना चाहिए, हमारा ये डिजायर होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। आज हम प्रत्येक जन का प्रियो ये इच्छा, ये डिजायर होना चाहिए कि मेरे जीवन से ए परमेश्वर तेरी महिमा निरंतर होने पाए। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। Lord, I give you my heart.
धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। निश्चित तौर से खुदा तू महान है। इस घड़ी समय प्रभु हम अपना पूरा तन मन, हम अपना ये पूरा देह हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ऐसा होने पाए प्रभु, हर बार जब भी हमारे जीवन में इच्छाएं आए, वो केवल इच्छा तुझे ऊंचा उठाने का आने पाए प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। निश्चित तौर से तूने आशीष किया है, जो वचन उनके मुख से निकल रहा है वो वचन प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में अनेकों आशीष को लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, Hallelujah, Welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज पुनः इस संध्या के समय में परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम उसके वचनों का मनन करने जाएंगे, Hallelujah। और निश्चय हम विश्वास करते हैं कि इस चैनल के द्वारा से आप ढेर सारे लोग आशीषित हो रहे हैं और आप इसके द्वारा से अपने आत्मिक उन्नति में लाभ उठाने पा रहे हैं। हम इस बात के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का फीडबैक के लिए धन्यवाद देते हैं। निश्चय हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, इस चैनल को आप सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग छोटी सी दुआ प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम लोग आज के वचन में जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की संध्या के समय में आप अपने वचनों के दर से बातचीत कीजिए, अपने भेद की बातों को समझने के लिए परमेश्वर पिता हमें समझ दीजिए, अपने आत्मा के द्वारा से हमें मदद कीजिए कि हम प्रचार करने पाए और सही ढंग से आपकी बातों को लाने पाए। साथ में प्रभु जी जितने लोग जुड़े हैं और प्रभु जी बाद में ऑफलाइन जुड़ेंगे, हर एक को प्रभु जी आप समझ दीजिए ताकि आज के जो गंभीर बातें हैं उसको समझने पाए, अनुग्रह प्रदान कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदाय से स्वराज ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो हम लोग पिछले कई हफ्तों से हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं और जो टॉपिक है, जो सीरीज है वो है इनसाइट ऑन गॉड्स प्रोमिसेस, पार्ट 5 में है, यानी परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसके अंदर में हम लोग तह में जा रहे हैं, हम लोग उसके भिन्न भिन्न बातों को देख रहे हैं। और आज जिस थीम में मैं बात करने को जा रहा हूं वो है डायमेंशन ऑफ गॉड्स प्रॉमिस, हालेलुया, डायमेंशन ऑफ गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसके आयाम क्या है, ओके, आयाम क्या है उसको हम लोग देखने को जा रहे हैं, डायमेंशन आयाम, उसके अंदर में लेयर्स कैसे हैं उसको हम लोग देखने को जा रहे हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आज बहुत सारे बातों को आप समझने जा रहे हैं, देखने को जा रहे हैं, कुछ गंभीर बातें होंगे, इसीलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक आज के इस टॉपिक को, थीम को आप ध्यान से सुनेंगे और हम लोग निश्चय बहुत सारे गंभीर बातों को आप लोगों के बीच में हम लोग लाएंगे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने को जा रहे हैं। जितने लोगों का मन की आंखें जो ज्योतिर्मय हो रही है वो गंभीरता से इसको जानने पाएंगे। और भी बहुत सारे बातें हैं बाइबल में जिसको हमको और तह तक जाना है। तो मन की आंखें ज्योतिर्मय जब होती है तो हम लोग परमेश्वर के विचार के गहराईता में हम लोग छलांग मारने पाते हैं और बहुत सारे बातों को उससे लेने पाते हैं। और जब उसको हमारे जीवन में हम अप्लाई करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग देखने पाते हैं परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की हुजूरी को, परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की सुरक्षा को। हम लोग नेक्स्ट लेवल, ग्रेटर लेवल में हम अपने आप को उस इन आशीषों को देखने पाते हैं। इसलिए आइए हम लोग देखेंगे कि मन की आंखें ज्योतिर्मय होना कितना जरूरी है। इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 17-18 आयत में यहाँ पर क्या लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, रेवलेशन का स्पिरिट दे, प्रकाशन की आत्मा दे, हाँ, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारी मन की आंखें यानी प्राण की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, कि तुम जानो कि उसने बुलाया है उसमें कितना बड़ा आशा रखना चाहिए। हम लोग का, हम लोग परमेश्वर जब बुलाया है उसको हम लोग जानते हैं लेकिन हम बहुत छोटा छोटा आशा रहते हैं। लेकिन जब हम मन की आंखें ज्योतिर्मय होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा तो हम लोग जानने पाएंगे कि उसके बुलाहट में छोटा मोटा आशा आशा नहीं है, एक बहुत बड़ा आशा है, हालेलुया, इस बात को जानने पाएंगे। फिर क्या कहता है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास का महिमा का धन कैसा है। इन तमाम बातों को हम लोग जब हमारी मन की आंखें जब ज्योतिर्मय होती है हमारे, तब हम परमेश्वर के विचार जो हैं उसमें हम लोग गहराई से हम लोग छानबीन करने पाते हैं, हालेलुया। सो हम लोग प्रतिज्ञा के विषय में देख रहे हैं और हम लोग आज परमेश्वर के प्रतिज्ञा के आयाम क्या हैं, कैसे डायमेंशंस हैं उसको, हम लोग कैसे लेयर्स हैं
उसको हम लोग देखने पाएंगे हम लोग। हालेलुया, प्रेज गॉड। कई बार क्या लगता है कि परमेश्वर जो हमको प्रतिज्ञा दिया है ना, ये साधारण सा लगता है हम लोग, लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो चीज साधारण दिखता है वो साधारण नहीं है, उसके अंदर बहुत गंभीर और गहरी बातें हैं, उसमें लेयर बाय लेयर बाय लेयर अंदर में बहुत सारी बातें हैं। तो उन सारे बातों को आपको देखने की आवश्यकता है। जब उसको निकालने पाएंगे, उस अंदर के लेयर में से आप निकालने पाएंगे, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोग हमारे घरों में या तो हम लोग जहां पर हम लोग का बगीचा होता है वहां पर हम लोग बोरवेल करते हैं, तो हम लोग जब बोरिंग जब चलता है तो एक लेयर पानी निकलता है, उसका प्रेशर अलग होता है, फिर नेक्स्ट लेयर में हम लोग जाते हैं तो नेक्स्ट लेयर का पानी का प्रेशर अलग रहता है, फिर और नेक्स्ट लेयर चले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, कितने सारे लेयर्स में ओके पानी का सोता मिलता है। उसी तरह से परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो है, जो बहुत सिंपल से देखने को मिलेगा, लेकिन आप तह में जाएंगे ना तो उसके अंदर में उस तरह से अलग अलग लेवल में अलग अलग लेयर्स में है, और उसका जो बात है बहुत ही गंभीर है। और जब उसको हम अपना लेते हैं, उस प्रतिज्ञा में से उस निचोड़ बात को ले लेते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते आ रहे हैं प्रतिज्ञा के बहुत सारे बातों को देखें, लेकिन जब उस लेयर में से जब निकालने जानेंगे हम लोग, पीने जानेंगे प्रतिज्ञा का, प्रेज गॉड, ये बहुत ही जबरदस्त हो जाता है हमारे लाइफ में। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे इब्रानियों के पुस्तक की 11 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 आयत में यहाँ पर एक बात को लिखा हुआ है जिसको हम लोग को लेयर सबको दिखाता है। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और हम लोग धीरे से जाएंगे, इसलिए गंभीरता पूर्वक इसको बहुत ध्यान से सुनिए, पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था। हाँ, जिसे प्रतिज्ञा के हिसाब से उस जगह को जो परमेश्वर ने धरती में एक देश को रखा था उसके लिए, और एक जगह को रखा था, लैंड को रखा था, जमीन को रखा था ओके, उसको परमेश्वर उसको देने वाला था मीरास में ओके। तो विश्वास से पर अब्राहम निकल गया, लेकिन वो एड्रेस नहीं दिया था, निकलो बोला निकल गया और जा रहा था। फिर आगे क्या होता है, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, जानता ना था कि किधर जा रहा हूँ, हाँ। तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, प्रतिज्ञा किए हुए देश में, यानी प्रतिज्ञा किया हुआ देश को परमेश्वर दिखा भी दिया, पहुंचा भी दिया, उसमें खड़ा भी कर दिया, किसको, अब्राहम को। लेकिन उस देश में उसका हरकत कैसे है, प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान, जैसे एक पराये देश में परदेशी के समान रहते हैं, उस प्रकार का उसका जीवन शैली था, या तो उस प्रकार से वो रहता था वहां पर है, और रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे। तो ये जो प्रतिज्ञा जो था वो इसहाक को भी मिला था अब्राहम के साथ में, और याकूब को भी मिला था, उसी प्रतिज्ञा जो अब्राहम को मिला था उसके वारिस थे, तंबुओं में वास किया। यानी हम लोग तंबुओं में कब वास करते हैं, जब सटीक ठिकाना नहीं रहता है तब एक व्यक्ति तंबू में वास करेगा, कल को कोई यहां से उठा देगा तो तंबू को उखाड़ के दूसरा जगह जाएंगे, इसलिए तंबुओं को गाड़ा जाता है आमतौर में। तो यहां पर तंबुओं में वास करने वाला लाइफ था उसका, जब प्रतिज्ञा किए हुए देश में खड़ा है वो, जब वो उसमें प्रवेश किया है, तो सवाल पैदा होता है कि उसने कॉन्क्रीट घर क्यों नहीं बनाया, स्थाई घर क्यों नहीं बनाया, वो तंबुओं में क्यों वास कर रहा था, यहां से वहां तंबू सबको लेता था, यह है सवाल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तंबुओं में वास किया, क्यों तंबुओं में वास किया, अभी देखिए, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया अब्राहम को कि मैं तुम्हें एक देश देने वाला हूं, तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा, सारा बात बोल दिया उसने, तो परमेश्वर जो आत्मिक है, अब्राहम ने सोचा परमेश्वर जो आत्मा है, महान है, उसका प्रतिज्ञा तो का आयाम, उसका जो लेयर होगा ये कहीं गहरा होगा, ये सिर्फ जमीन का बात नहीं कर रहा है, वो जो प्रतिज्ञा कर रहा है इसमें जमीन के विषय में बोला हुआ है, लेकिन जमीन से कहीं गहरा
उस प्रतिज्ञा में उसने अब्राहम ने छलांग मारा, या तो नजर डाला या तो देखने पाया, और उसी प्रतिज्ञा को जब उसने खोला, उसका लेयर जैसे एक 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 आप ऑनियन को लीजिए, प्याज को लीजिए, उसका छिलका हटाते जाते, एक दो तीन ऐसे छिलका हम लोग हटाते हैं, उसी तरह से जब ये भौतिक आशीष पृथ्वी में जमीन का आशीष को लेके, धन संपत्ति को आशीष को लेके, और विशेष करके जमीन और एक देश का जब उसने प्रतिज्ञा किया, तो ये देश वाला प्रतिज्ञा का छिलका को उसने हटाया। जब छिलका को हटाना चालू किया, आत्मिक आंख इसका शार्प था अब्राहम की, देखने पाया कि भाई ये तो भौतिक आशीष से हटके इसके अंदर में और भी चीज है जो कि आत्मिक दुनिया के विषय में बता रहा है, एक ऐसा नगर के विषय में इसमें हमको सिग्नल मिल रहा है, कुछ सेंस मिल रहा है, इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था, यहां पर उसने झांक लिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्यों अब्राहम को दो चीज कहा जाता है ना, एक अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है, और दूसरा अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया है। क्यों ये दो चीज वचन को क्यों मैं आपके बीच में ला रहा हूं, पढ़ने के बाद बताता हूं। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहले गलतियों का पुस्तक उसका 3 उसका 6 से लेकर 9 आयत, यहां क्या लिखता है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के संतान हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम के संतान है। आप और हम विश्वास करते हैं तो हम लोग अब्राहम के संतान है बोल रहे हैं, माने अब्राहम विश्वासियों का पिता है, इसका सेंस यहां से आ रहा है। ओके, फिर और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वे विश्वासी, आप और मैं, वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। और यहाँ से हमको सिग्नल मिलता है, यहाँ से हमको सेंस मिलता है कि अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता है, और यूं ही ऐसे नहीं कहा जाता। ओके, दूसरा अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाए, हम लोग देखेंगे याकूब उसका 2:23। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। या उसके लिए परमेश्वर का, ये जो बात है ना, परमेश्वर का मित्र कहलाया, तो अब मित्र उसको कहते हैं। ओके, मित्रता का जो रिलेशनशिप है बहुत गहरा होता है, बड़ा सारा दिल का बात सब मित्र सबको हम लोग शेयर करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हम लोग किसी को भी कुछ बात शेयर नहीं करते, मित्रता वाला जो बात रहता है ना उसमें गहरा गहरा बात सब शेयरिंग होता है। तो अब्राहम जब परमेश्वर को मित्र कहलाए और विश्वासी को पिता था, तो सोचिए कि अब्राहम बहुत सारे रेवलेशन का भंडारीपन उसके पास में था, भरमार प्रकाशन था उसके पास में, और एक ही बार प्रकाशन नहीं आया विश्वास में, चलते 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 परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दिया था उस प्रतिज्ञा को मनन करते करते उसके अंदर में झांकते झांकते पृथ्वी से लेके उसका नजर पहुंच गया, स्वर्ग में एक नगर है। प्रेज लॉर्ड, और देखने पाया उस नगर। प्रेज गॉड, कितना बड़ा बात है। उस नगर के विषय में आज हम पढ़ते हैं बाइबल में, लेकिन उसके पास में बाइबल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उस नगर को देख लिया जो जिसका फाउंडेशन जो दृढ़ है, जिसका फाउंडेशन जो परमेश्वर फाउंडेशन डालने वाला है, डाला है, ऐसे बोल के बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इस रिलेशनशिप के कारण से इतना सारा गहरा बात सबको जानने पाया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर इस प्रतिज्ञा से, अब्राहम इस प्रतिज्ञा से ये निकालने पाया कि परमेश्वर मुझे इस धरती में केवल एक जमीन, एक देश केवल नहीं दे रहा है, लेकिन इस प्रतिज्ञा में, इस धरती में मुझे एक देश के अलावे और एक देश के विषय में, यही प्रतिज्ञा के अंदर में है, और एक नगर के विषय में है, इसको झांकने पाया इस मित्रता के कारण से। प्रेज गॉड। आइए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 11 का 10 पद, क्या लिखता है इसमें। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोखता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वह मतलब कौन, अब्राहम के विषय में बोल रहा है। वह उस स्थिर
नेव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला, स्थिर नेव फाउंडेशन वाला बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जब स्थिर नेव के विषय में प्रकाशन मिल गया तो वो तंबू जो होता है ना, उसका कोई नेव नहीं रहता एक्चुअली। इसीलिए कुछ और फाउंडेशन गाड़ने का उसको इच्छा ही नहीं हुआ। एक ऐसा फाउंडेशन जो परमेश्वर है, जो स्थिर डाल है, वो स्वर्ग में है, जो हमको देने वाला है परमेश्वर, उसको जान लिया तो वो इतना लुभावना है वो फाउंडेशन वाला नगर कि इस धरती में उसने कोई तंबू या तो कोई ऐसे घर नहीं बनाया जिसका स्थिर नेव रहे। इधर तंबू को यहां से वहां से वहां से यहां से उखाड़ उखाड़ के लेके जाता था। उसका नजर धरती से हट के अब स्वर्ग के तरफ चला गया था, आत्मिक जगत में चला गया था। प्रेज गॉड। और यही तो तगड़ा बात है। मैं ये बताना चाहता हूं इसके द्वारा से, जब भी परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देता है, दिखेगा फिजिकल ब्लेसिंग, तो मत सोचिए कि सिर्फ फिजिकल ब्लेसिंग है। उसका लेयर को जब हटाएंगे उस प्रतिज्ञा का, उसका उसका छिलका को जब हटाएंगे, तो उसके अंदर में जो बाहर जो दिखाई दे रहा है उससे गाढ़ा और गहरा चीज उसके अंदर में आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब उसको झांकने पाएंगे तो उसका बेनिफिट्स मेरे प्यारे भाई और बहनों बहुत ही गहरा है और हाई लेवल का है। नीचे हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे बातों को समझने पाएंगे। आमीन। प्रेज गॉड। चलिए इब्रानी का पुस्तक उसके 11:13-16 पढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। हाँ, यहाँ पर एक जो है इसको अंडरलाइन कीजिए। यह सब ऊपर में हमने देखे, क्योंकि वह उस स्थिर नगर, ने वाले नगर, वह मतलब अब्राहम को बोल रहा है। और ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। ये सब कौन? अब्राहम, इसहाक, याकूब, इनके विषय में बोल रहे हैं। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। फिर एक बात बोलता है, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई। तो यह क्वेश्चन आता है, क्या परमेश्वर इनको ठग दिया? प्रतिज्ञा किया था और नहीं दिया? क्या परमेश्वर से धोखा पाए? नहीं, ना तो परमेश्वर ठगा है, ना तो परमेश्वर इनको धोखा दिया। एक्चुअली क्या है, परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा किया था। किस कौन सा देश? कनान देश के विषय ही बोलता है, वो लैंड के विषय में, जो कि आज इज़राइल कहलाता है। ओके? सो उसके विषय में बात किया था और उसमें कदम भी रखे, लेकिन उन्होंने इतना प्रकाशन पा लिया उस प्रतिज्ञा में कि इनका नजर स्वर्गीय देश में चला गया, इनका नजर चला गया एक स्वर्गीय नगर के विषय में। तो इनका नजर जब वहां चला गया तो पृथ्वी पर से नजर हट गया, पृथ्वी पर जो भौतिक आशीष से इनका नजर हट गया। हालांकि ये लोग समृद्ध थे, लेकिन इनका दिल वहां पर नहीं रहा, उनका दिल मन प्राण आत्मा स्वर्ग में झांकने लगा और उसके खोज में ज्यादा लग गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कि इनके जमाने में पूरा कनान को इनको नहीं मिला था। चाहते तो पूरा कनान को ले सकते थे, अपना सकते थे। नीचे मैं बताऊंगा कैसे और क्यों अपना सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं अपनाया पूरा कनान को या पूरा उस जगह को। खड़े थे, अब्राहम को तो परमेश्वर बोल दिया, चलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब तरफ, जितना दूर तेरा नजर जाएगा, जितना दूर तेरे कदम जाएंगे सब तेरे। बोल दिया था, परमेश्वर दिया भी उनके उनके वंश को दिया। लेकिन ये लोग जो व्यक्ति हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, जो इसके वारिश थे, ये लोग का नजर और ध्यान कहीं और था। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं नीचे बताऊंगा कि ये लोग को क्यों नहीं मिला। बोलता है ये प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे उसको, मैं नीचे बताऊंगा, पहले इसको पढ़ के खत्म करते हैं। हाँ। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। हाँ। और मान लो कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हाँ, दूर से देखे, ईस्ट देखे, नॉर्थ वेस्ट देखे, सब एरिया को कब्जा नहीं किए। ओके? दूर से देखे लोग, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। आमीन। आगे पढ़ेंगे, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। हाँ, जो लोग ऐसे बात करते हैं, हम लोग परदेशी ये बोलते हैं, वो लोग प्रकट करते हैं कि हम लोग स्वदेश की खोज में हैं, माने सही देश, अपना देश। कौन सा था अपना देश? नीचे पढ़ेंगे,
और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। ये स्वदेश जो है वो नहीं है जहां से वो लोग निकल के आए थे, स्वदेश जो बोल है ना स्वर्गीय देश के विषय में बात बोल रहे हैं। फिर आगे क्या लिखता है? पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। परंतु वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऊपर हम लोग देखे कि ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई। तो कैसे नहीं पाई है ना, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, क्या हुआ जो नहीं पाई? नहीं पाई का तात्पर्य क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक उसका 23 आयत उसका 1-9 यहां पर क्या लिखा हुआ है। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह किर्यताबा में मर गई। यह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। अभी सारा मर गई, कहां मरी? कनान देश में है, जगह का नाम बता रहे हैं, वहां सारा मर गई। ओके, अभी अब्राहम क्या कर रहे हैं? इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब अब्राहम सब के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूं। क्या बोल रहा है? कनान देश में मरा है सारा और वहां पर रोने के लिए गया वो, और हित्तियों से बात कर रहा है। जान रहे हैं, यही बात तो कहा था परमेश्वर ने मिस्रियों, मिस्र देश से इसराइल को निकाला तो हित्ती यबूसी जो है कनानी है उनको तुमको तुम्हारे सामने से निकालूंगा। ओके, लेकिन इनके टाइम में, अब्राहम के टाइम में ही हित्ती लोग थे वहां पर, और हित्ती लोगों क्या बोल रहा है, मैं अतिथि हूं और परदेशी हूं। और हित्ती लोग कौन सा देश में थे? कनान देश में थे। इसका डेड बॉडी कहां पर पड़ा हुआ है सारा का? कनान देश में पड़ा हुआ है। अब क्या कर रहा है अब्राहम, देखिए क्या बोलता है, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ, मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए। अरे प्रतिज्ञा के देश परमेश्वर उसको देने वाला है, उसमें ये कब्र खोज रहा है, एक जगह दो जहां मैं कब्र के लिए मुझे चाहिए। और वही देश है जो प्रतिज्ञा के देश में वो कब्र खरीदना चाह रहा है। इसके पीछे एक भेद है, क्यों कबर खरीदना चाह रहा है, नीचे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कबर क्यों खोज रहा है ये। ओके, कब्रिस्तान के लिए मुझे भूमि दो जो मेरे निज की हो जाए। अरे पूरा परमेश्वर कनान देश उसके निज की हो जाए बोल के दिया है, प्रतिज्ञा किया है, और वो निज की हो जाए उस जगह में। हमने ऊपर में देखा ना प्रतिज्ञा की हुई देश जो चीज वस्तु थे नहीं पाई, उनका ध्यान हट चुका था, कनान से हट गया था, फिजिकल लैंड से हट गया था, स्वर्गीय देश में चला गया था। इसीलिए उसको कब्जा करने के चक्कर में धुन में नहीं थे लोग, लेकिन कबर खोज रहे, कबर के लिए जमीन मिले। और क्या होता है पढ़ेंगे, मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसे भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपनी आंख की ओट करूं। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनिए, हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, हाँ, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। क्या बोल रहे हैं लोग, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, मतलब इसका जो रुतबा था ना सचमुच महान था। और वो लोग उसको जिनसे कब्र के लिए जमीन मांग रहा, खरीदना चाह रहा, वो लोग इसको उल्टा प्रभु बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या दबदबा नहीं था इसका? था। क्या ये लोग को उस जगह से नहीं भगा सकता था, हित्तियों को और बाकी लोग थे उसको नहीं भगा सकता था? ये उस समय जब कब्र मांग रहा है, उनसे खरीदना चाह रहा है, क्या इससे पहले ओके चार राजाओं को क्या अब्राहम ने नहीं हराया है? उसका भतीजा लूत को और उसके घर बाहर पर और सदोम और गमोरा में कुछ राजा लोग आए और उसको उसके भतीजा को भी ले गए और उस चार राजा लोग आके उस एरिया को कब्जा करते थे, तो करीब 318 लोगों जो उसके साथ में जिनको ट्रेन किया हुआ था उनको लेके क्या चार राजाओं को नहीं हराया? जब उनको हरा सकता था तो क्या ये हित्ती लोगों को भगा नहीं सकता था? कब्र के लिए खरीद रहा है क्यों जमीन? सोचने वाली बात है, क्या बात है इसमें, क्या बात है जो
कनान देश से नहीं भगा रहे हैं लोगों को, इनका ध्यान जो है ना कनान का जमीन के ऊपर में नहीं है। ऐसे रेवलेशन पा लिया उस प्रतिज्ञा में, एक ऐसा देश का प्रकाशन पा गया है जो परमेश्वर ने भौतिक रूप से कहा, लेकिन उसमें उस छिलका को हटा के उसने उस देश के विषय में झांक लिया जो स्वर्गीय देश है, उस नगर के विषय में झांक लिया जो स्वर्गीय नगर है। जब इतना सुंदर चीज देख लिया तो अब इसका दिल पृथ्वी में नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा जब परमेश्वर का प्रॉमिस आता है, प्रतिज्ञा आता है ना, सिंपल दिखाई देगा लेकिन इतना सिंपल नहीं है, उसके अंदर में बहुत सारे गहराई बात रहते हैं। आज भी कोई प्रतिज्ञा को उठाते हैं तो क्या आप अंदर के निचोड़ को जाके निकालने सकते हैं और उस आशीष को लेते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए हम लोग मूंगफली खाते हैं, मूंगफली का छिलका टेस्ट लगता है कि नहीं लगेगा, लेकिन उसके अंदर में जो दाना है वो टेस्ट लगता है। तो हम लोग क्या कई बार क्या करते हैं, जब हम लोग अंदर तह में नहीं जाते हैं उसकी प्रतिज्ञा में, तो छिलका खाने जैसा हम बहुत बार हम लोग पर प्रतिज्ञा का छिलका ही खाते हैं, लेकिन उसको अंदर का दाना जो खाना चाहिए उसको नहीं खाते हैं हम लोग। लेकिन इसने दाना निकाल लिया, प्रेज द लॉर्ड। और उस देश में जो कनान देश परमेश्वर प्रतिज्ञा का देश है उसी के लिए दे दिया है। उस जगह में हित्ती लोग हैं जो उसको प्रभु बोल रहे हैं, तू हमारे बीच में महान है, प्रधान है बोल रहे हैं, क्योंकि उसने लड़ाइयां जीती थी, एक राजा का जैसे रुतबा था उसका। लोग बोल रहे हैं इस जमीन क्यों खरीदना चाहते, ली जाइए ना, जो भी कबर है हमारे बीच में ले जाइए, खरीदने की क्या जरूरत है, बोल रहे हैं। कुछ तो बात था, खरीदना चाह रहा था। ओके, अंडरलाइन करके रखिए, कबर वाला बात खरीदना चाह रहा था। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, हमारी कबरों में से, हाँ हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़, हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, आप तो महान है हमारे बीच में। आगे फिर कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने ना पाए। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के समूह जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपनी आँख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र फिर एप्रोन से मेरे लिए विनती करें, करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे। दाम देके खरीदूंगा मैं, बोलता है ये व्यक्ति का जो है गुफा है, एक नाम बता रहे हैं पर हम लोग, है ना, पुत्र एप्रोन से कहो वो गुफा सबको है ना, जहां पर वहां पर मैं कब्र बनाऊंगा, उसको दाम देके मुझे दे दिया जाए, फिर कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। हाँ, कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए, फिर नीचे आप पढ़ेंगे तो बातचीत होता है और उसको बिक्री कर दिया जाता है। ओके, अब प्रॉमिस्ड लैंड में परमेश्वर जो देने वाला है वहां पर कब्र को खरीदता है। क्यों कब्र को खरीदता है, वाई वो इंटरेस्ट क्या है कब्र के लिए जमीन खरीद रहा है। ओके, आप जानिएगा यही स्थान है जहां पर कब्र है, जहां पर सारा को दफनाया, फिर अब्राहम को दफनाया गया, और जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे तो याकूब यूसुफ को बोलता है मैं मर जाऊंगा तो मेरे को यहां पर नहीं दफनाना, कब्र मिस्र देश में नहीं दफनाना, मुझे ले जाना जब जमीन को तेरा दादा ने खरीदा था, अब्राहम जो खरीदा था ना उसी जमीन में जाके मुझे दफनाना, याकूब भी बोलता है। और जब मर जाता है याकूब तो यूसुफ पूरा सेना सहित और पूरा प्रोसेशन के साथ में लाके उसको उसका उसका बाप को याकूब को जहां पर अब्राहम का कब्र है, ईसा का कब्र था, सारा का कब्र था, वहां पर याकूब का कब्र दिया जाता है। इसको यूसुफ भी देखे रहता है, और फिर यूसुफ वो मर जाता है तो आज्ञा दिए रहता है कि जब इजरायली लोग मिस्र देश से छुटकारा पाएंगे, तो जब यहां से तुम लोग छुटकारा पाओगे तो मेरे हड्डियों को कब्र से निकालना और ले जाना यहां पर से, कहां लेके जाने का उसका आशा रहता है, इसी यही कब्र का स्थान में जहां पर खरीदा हुआ था। पूरा खानदान सीरीज में देखिए जिनके पास रेवलेशन है तो ये कब्र में आना चाहते हैं लोग, उसके पीछे एक रीजन है। हालेलुया, प्रेज गॉड, उसको नीचे देखेंगे हम लोग। ओके, यहां पर जो है ये कब्र को लोग खरीद लेते हैं, तो क्या होता है देखते हैं, उत्पत्ति उसे 23 का ही 17 से लेके 20, उत्पत्ति 23 17 से लेके 20, बहुत ध्यान से सुनिए इसको, होगा तो इस एपिसोड का बार बार सुनिएगा और स्टडी कीजिएगा।
मैं कुछ कुछ बातों को आप लोग के पास में खुल के नहीं बताने पा रहा हूं, बहुत सारे गंभीर बातें हैं, क्योंकि पत्रस का पुस्तक में पढ़ेंगे पत्री में तो पत्रस बोलता है, पौलुस ने कुछ कुछ ऐसे गंभीर बातों को दिखा है जिनका समझना बहुत कठिन है। ओके, और जो लोग समझ जाते हैं तो समझ जाते हैं, नहीं तो बहुत कठिन चीज सब है। ऐसे यहां पर बहुत कठिन चीज है, लेकिन बहुत सारे बातें समझ में आया, हो सकता है आप लोग को समझ में ना आए, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। जितना आपको समझ में आएगा उतना आप लोगों के पीछे हम रख रहे हैं। पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर उत्पत्ति 23 17 से लेकर 20 क्या लिखता है। इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो मर्मे के समूह मकपेला में थी, हाँ, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। हाँ, अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स कर लिया लोग, पैसा जो भी दाम चुकाना था दाम चुका दिया। उसके बाद क्या होता है? इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो मर्मे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। पक्की रीति से वो कब्रिस्तान का स्थान आ गया। गुफा में मिट्टी दी, याद रखिएगा, गुफा में मिट्टी दी। यीशु मसीह को भी इसे कब्र दिया गया था गुफा टाइप में। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ कुछ बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, अभी अब्राहम और उनके संतान लोग क्या चीज का प्रकाशन पाए थे लोग, दो रेफरेंस उठाते हैं, पढ़े हैं, लेकिन दो वर्ड को बीच में लाऊंगा आप लोगों के। इब्रानी 11 उसका 10, इसको मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इब्रानी 11 का 10 में क्या लिखा हुआ? क्योंकि वह उस स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। यहां पर देखिए, स्थिर नेम वाले नगर, यहां नगर के विषय में बोल रहे हैं, इसका बाट जोह रहा था कौन? अब्राहम। फिर क्या, इब्रानी 11 का 16 में क्या लिखा हुआ है? फिर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं। नगर एक अलग चीज होता है, देश एक अलग चीज होता है। एक देश में एक नगर होता है, नगर के अंदर में देश नहीं होता है, एक देश में एक नगर होता है। तो इनके पास में नगर का भी प्रकाशन था, इनके पास में स्वर्गीय देश का भी प्रकाशन था, किंगडम के विषय में, राज्य के विषय में प्रकाशन था। प्रेज लॉर्ड। और यहां तक उनका प्रकाशन चला गया है कि इसी धरती में एक राज आएगा जो राज शांति का राज होगा। आज और आप और हम वेट कर रहे हैं, यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को उठा ले जाएगा, 7 साल का महाक्लेश होगा, उसके बाद में फिर यीशु मसीह फिर इस धरती में आएगा और 1000 साल का राज्य करेगा, शांति रहेगी इस दुनिया में। प्रेज गॉड, यहां तक का प्रकाशन इनको मिल गया है। प्रेज गॉड। और जब ये प्रकाशन प्राप्त किया इन्होंने तो कनान देश को पूरा कब्जा करने का वाला बात को दिमाग से लोग हटा दिए, चाहते तो कर सकते थे, सिर्फ कब्र के विषय में सोच रहे लोग, कब्र को खरीद रहा है, कब्र एक तो होना चाहिए, क्यों कब्र को खोज रहा है। प्रेज गॉड, बहुत वंडरफुल है। तो ये जो नगर और देश, इसके विषय में जरा देखेंगे कौन सा नगर और कौन सा देश के विषय में इन्होंने प्रकाशन पाया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1-4 ध्यान से सुनेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी, ये यूहन्ना जो है यीशु मसीह का चेला पथमुष टापू में है, वहां पर परमेश्वर उसको बहुत सारे दर्शन की बातें दे रहा है, दिखा रहा है, उसमें अंतिम दिनों के विषय में बता रहा है, महाक्लेश के विषय में बता रहा है, एंटी क्राइस्ट के विषय में बता रहा है, ख्रिस्ट विरोधी के विषय में बता रहा है, ऐसे करते 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 अंतिम छोर में क्या होगा उसके विषय में बता रहा है। तो यह यूहन्ना जो है ये पद्मोस टापू में वो दर्शन में सारे बातों को देख रहा है। पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नए आकाश और नई पृथ्वी, इसका भी प्रकाशन मिल गया। यही नया आकाश नई पृथ्वी में ही तो वो राज रहेगा, वो दुनिया रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, वो देश रहेगा जो रियल देश है, हमको परमेश्वर देना चाहता है। फिर आगे, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। हाँ। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम
को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। अब देखिए ये जो नया यरूशलेम जो बोल रहा है, इसी नगर के विषय में अब्राहम, इसहाक और याकूब लोग देख लिए थे। अब इस नगर का डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत ही लुभावना है, बहुत ही तगड़ा है, ग्लैमरस है, मैजेस्टिक है। भला इसको देखने के बाद में पृथ्वी पर में ध्यान रहेगा लोगों का, इनका ध्यान रहेगा ना? इसीलिए प्रतिज्ञा हुआ किए हुए जो देश था जिनको जो कनान, तो दूर से देखा आनंदित हुए बोलता है, लेकिन उसको कब्जा करने के लिए उन्होंने नहीं सोचा। हाँ हालांकि परमेश्वर ने दिया, उनके बच्चों को दिया, इसराइलियों को दिया, बाद में आज भी वो इसराइल है हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये लोग खासकर अब्राहम, इसहाक और याकूब का बात, ये लोग प्रतिज्ञा को ऐसे उसका लेयर को हटाए, ऐसे उसका छिलका को निकाले कि उनसे उस चीज से, उस प्रतिज्ञा से है ना, वो लोग स्वर्गीय नगर को देखने पाए, स्वर्गीय देश को देखने पाए, है ना। और इसका एक खास स्टेटमेंट जब देखने पाए तो परमेश्वर ने खास स्टेटमेंट कहा, वो स्टेटमेंट, वो डिक्लेरेशन, घोषणा परमेश्वर ने इनके लिए किया। वो घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे प्रकाशन मिलता है और हरकत इस प्रकाशन के अनुसार हो जाता है तो परमेश्वर एक तगड़ा घोषणा करता है हमारे लिए, और वो घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए इसको पढ़ते हैं पहले। हाँ, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से या कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हाँ। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। परमेश्वर आप उनके साथ में रहेगा। देखते हैं कौन सा राज्य के विषय में। हाँ, फिर और उनका परमेश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यस, आंसू पोंछ डालेगा। हाँ, फिर और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्रेज लॉर्ड। अभी देखिए उस पवित्र नगर जो है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका भाव को देखिए कैसा है। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21:9-18 पढ़ेंगे। फिर जिन सात स्वर्गदूतों के पास सात अंतिम विपत्तियों से भरे हुए सात कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ। फिर इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखिए अब्राहम मोरिया पर्वत में उसको एक मेमना मिला। वो जब मुलाकात कर रहा है तो क्या क्या प्रकाशन मिला है वहां पर उसको, यहां पर मेमने की पत्नी बोल रहा है, वहां पर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब इस देश को जब देखने पाया, इस नगर को देखने पाया, तो वहां से देखने पा रहा था, खुला उसका आंख और गहरा छानबीन करने लगा। एक ही दिन में नहीं हुआ है सब चीज, खोजने लगा तो ये सब चीज पा रहा है। लास्ट में लोग क्या देखते हैं कि वो कबर के लिए जमीन लेता है, खरीदता है, अपना ही प्रतिज्ञा के देश में कबर का जमीन को खरीदता है। क्यों कबर की जमीन को खरीदने के लिए इतना ललायक है? वो पैसा देना चाहता है, लोग फ्री में देना चाहता है, वो पैसा देना चाहता है, उसमें सारा खानदान लाइन लगाता है अपना कबर के लिए, या को वहां मार के कबर कब्रिस्तान चाहता है। इसहाक तो वहीं पर दिया गया, अब्राहम को दिया गया था, यूसुफ मर जाता है, उसके बाद में कितने 400 साल के बाद भी उसको आज्ञा दिया रहता कि जब इजरायली लोग यहां से छुटकारा पाएंगे तो उनके बच्चों को बोलता है मेरा हड्डी को निकालना और लेके जाना वहां पर। कुछ खास बात है, आइए देखते हैं इस नगर के विषय में चित्रण क्या है। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। हाँ। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यसब की तरह स्वच्छ थी। ये सारा चीज को इवन अब्राहम भी देखने पाया था। फिर आगे उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। देखिए क्या देखा, ये जुहाना देख रहा है लेकिन इसी चीज को अब्राहम भी देखा, 12 फाटक और 12 फाटकों पर स्वर्गदूत। हो सकता है कि टोटल चीज नहीं देखा होगा लेकिन कुछ रेवलेशन पाया है यहाँ पर, लेकिन उस नगर को और झांक रहा था। 12 फाटक, 12 स्वर्गदूत। फिर और उन फाटकों पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे।
अब्राहम अपना संतान लोग को बोला था ना बालू के किनको के समान होंगे, तो क्या परमेश्वर नहीं दिखाएगा? अब्राहम के बाद में इसाक हुआ, इसाक के बाद में याकूब हुआ, उसके बाद में 12 गोत्र शब्द हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये सब तो पृथ्वी में घटना घटेगा और पूरा चैप्टर एंड होके 12 गोत्र लोग रहेंगे, उस नाम का 12 फाटक वहां पर रहेगा और उसका गोत्र सबका नाम रहेगा। अब्राहम देख रहा है, ओ मेरे संतान लोग ऐसे होंगे, वाओ मेरा बेटा ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद 12 गोत्र होंगे, उसके नाम ऐसे रहेंगे। ऑलरेडी वो देख रहा है स्वर्ग में, इस नगर को ही देख रहा था। कितना गहरा झांकने पाया अपना जेनरेशन के विषय में कि मेरा जेनरेशन का नाम कहां पर चमकेगा। प्रेज गॉड। आगे देखेंगे, पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी। 12 नींव को देख रहा है, हमने ऊपर में देखा ना, एक ऐसा नगर जिसका नींव स्थाई स्थिर है बोलता है। कौन सा नींव को देखा? 12 फाउंडेशन को देखा। प्रेज गॉड हालेलुया। वो 12 फाउंडेशन क्या है पढ़ेंगे? और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। 12 प्रेरितों का नाम, 12 गोत्र के नाम, सब चीज को देख रहा है। इतना चमकदार है। भला इसको देखने के बाद में वो कनान देश जो उसको प्रतिज्ञा किया हुआ था उसके पीछे में क्यों भागेंगे? वो पृथ्वी से उनका ध्यान हट के स्वर्ग में पहुंच गया। जब कभी भी आप एक प्रतिज्ञा को उठाते हैं, अगर भौतिक दिखाई देता है तो मत सोचिए कि वो भौतिक आयाम में केवल है। उसका आयाम, उसका डायमेंशन बहुत गहरा है और वो आत्मिक आयाम जब उसको पाएंगे तो उसमें बहुत सारे बात को आप निकालने पाएंगे। प्रेज गॉड हालेलुया। और जीवन शैली दूसरा हो जाएगा। जब इसको जाने तो जीवन शैली क्या हो गया इनका? तंबुओं में बास कर रहे हैं वो लोग। और इसको देख के परमेश्वर क्या बोला नीचे पढ़ेंगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यह सब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने के थे जो स्वच्छ कांच के समान हो। कांच में जैसे आर पार देखते हैं ना, ऐसा चोखा सोना से बना हुआ था जो कि आर पार दिखा। इतना बड़ा दौलत दिखाई दिया, सोना का नगर है। तो अब्राहम का नजर यहां पर था और जब यहां पर था तो अब्राहम, इसाक, याकूब इनका हरकत सब भी ऐसा ही था। ऐसे होने के कारण से परमेश्वर क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूं, परमेश्वर क्या घोषणा किया इनके लिए। ये घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में मामूली लगता है लेकिन क्या है देखिए, इब्रानी 11:16 में परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए क्या बोलता है, जो लोग प्रतिज्ञा को अंदर झांक लेते हैं और अंदर का चीज को निकाल के उसके हिसाब से हरकत करते हैं, एक डिफरेंट हरकत करते हैं। इसीलिए सोच लीजिए, एक भाई का नाम है विजय, एक भाई का नाम है राजेश, समझ लीजिए। विजय सीधा सीधा ऊपर ऊपर प्रतिज्ञा को उठाया और उसका हरकत वैसे था, लेकिन उसी प्रतिज्ञा के अंदर में राजेश ने उसके गहराई के हिसाब से छलांग मारा उसी प्रतिज्ञा के अंदर में, छिलका हटा के, और उसका हरकत अलग हो गया। तो परमेश्वर जो जिसका हरकत जो गहराई में छलांग मार के रहेगा उसके लिए अलग घोषणा करेगा परमेश्वर। इनके लिए क्या घोषणा किया देखिए, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं। इसीलिए देखिए, इसीलिए क्यों? क्योंकि इनका नजर पृथ्वी से हटके स्वर्ग में चला गया है और उसको झांकने पाए, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए दम से बोलता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, नहीं लजाता। तो क्या बात है नहीं लजाता? अरे आप जानते हैं, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लजाता है ना तो भागना चाहता है। अगर आप किसी से लजाएंगे ना दूर भागेंगे, लेकिन नहीं लजाएंगे तो उसके करीब रहेंगे। ओके, तो परमेश्वर नहीं लजाता मतलब बहुत करीब रहता है इनके पास।
हर स्थिति परिस्थिति में रहना चाहता है परमेश्वर, नहीं ला जाता कोई भी स्थिति परिस्थिति में, परमेश्वर नहीं ला जाकर रहता है ऐसे लोगों के साथ में, प्रेज गॉड करीब रहता है। ये बहुत बड़ा घोषणा है, तो इसीलिए प्रतिज्ञा जो है हमको जो दिया गया है उसका गहरा आयाम में आप छलांग मारिए, अंदर जाइए, उसके हिसाब से हरकत कीजिए। तो परमेश्वर इनके साथ में जैसे नहीं ला जाके इनके साथ में रहता था, तो परमेश्वर मैं तेरा परमेश्वर हूं ऐसे बोलेगा। क्यों? जब इनके लिए इनका परमेश्वर बोलता है, हमारा परमेश्वर क्यों नहीं बोलेगा, हमारा नाम क्यों नहीं लेगा? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो देखिए ये इनका परमेश्वर बोलने के लिए नहीं ला जाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करता किया जब इसराइलियों को छुड़ाना था और मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया, तो झाड़ियों में होकर परमेश्वर दर्शन दे रहा है, तो उसका मतलब क्या है पढ़ेंगे हम लोग, निर्गमन 3:5-6 क्या लिखता है? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है, तो पवित्र भूमि है बोल रहा है, उसी पवित्र भूमि में प्रेज गॉड एक झाड़ी है। पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर। आजा, उस झाड़ी में से वहां पर आग जल रहा है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली? अब उसी झाड़ी में आग जल रहा है और झाड़ी भस्म नहीं हो रहा है, और उसी झाड़ी में से एक आवाज नहीं, अभी परमेश्वर बात कर रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है? फिर उसने कहा, क्या कहा? मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं, ऐसे बोल रहा है। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। बोलने का तात्पर्य क्या है? एक तो पवित्र भूमि में वो झाड़ी है, उस झाड़ी में आग लगा हुआ है और आग भस्म नहीं कर रहा है उसको, वो भस्म नहीं हो रहा है, और वहां से बोल रहा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। ये झाड़ी को मैं आग लगा हुआ है, नहीं जल रहा है, इसका तात्पर्य क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द मीनिंग? और वहां से बोल रहा है, मैं इनका परमेश्वर। ध्यान से सुनिए क्या परमेश्वर बताना चाहता है जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस समय। नॉर्मल रूप से कोई भी झाड़ी में इस धरती में आप आग लगा दीजिए, ऐसे नॉर्मल आग लगाइए, आग लगाएंगे वो झाड़ी जलेगा और मर जाएगा। लेकिन यह झाड़ी है, इसमें कैसा आग लगा है कि यह झाड़ी नहीं मर रहा है, भस्म नहीं हो रहा है, और उसमें से कह रहा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं। कहने का मतलब, अब्राहम जैसे झाड़ी में आग लगा हुआ है, भस्म होकर मर नहीं रहा है, उसी तरह से अब्राहम मरा नहीं है, इसहाक मरा नहीं है और याकूब मरा नहीं है, मेरे दृष्टि में लोग जिंदा है। बोलने का मतलब ये बोल रहा है। प्रेज गॉड, मैं आपको वचन देके प्रूफ कर रहा हूं क्यों ऐसे बोल रहा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए इसको, मत्ती उसका 22:29-33 यहां पर क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। इसी के पास, यीशु के पास में साधु की लोग आए और पूछने लगे कि जो लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, वो लोग बोले, एक भाई, एक घर में 7 भाई थे, बड़ा भाई शादी किया हुआ था, वो बड़ा भाई मर गया, तो उसकी पत्नी को छोटा भाई शादी किया, फिर वो भी मर गया, ऐसे करते करते 7 भाई मर गए, तो कैसे होगा? अगर जब जी उठेंगे तो किसकी पत्नी कहलाएगा? ये क्वेश्चन ये था। तो उसका प्रति उत्तर में आंसर देते देते यीशु मसीह यहां पर आया है। तो यीशु मसीह का तात्पर्य को देखिए यहां पर क्या है, पढ़ेंगे अभी। इस कारण भूल में पड़े हो। नहीं नहीं, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। परमेश्वर की, पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सा सामर्थ के विषय में बोल रहा था इस जगह, कौन सा सामर्थ के विषय में इर्द गिर्द आ रहा है, मंडरा रहा है चीज, उसको देखिए। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, मतलब पवित्र शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, कुछ चीज में लिखा था उसको भी मीनिंग तुम लोग नहीं जानते बोल रहे, और एक तो सामर्थ को नहीं जानते, तो पर्टिकुलरली कौन सा चीज लिखा हुआ है जिसको तुम नहीं समझ रहे हो? वैसे तो बहुत सारी चीज नहीं समझते हैं, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर एक चीज लिखा हुआ था बाइबल में, उसको तुम लोग नहीं जानते और सामर्थ को नहीं जानते। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए क्या लिखता है, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। ओके,
नेक्स्ट देखिए, परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा? अच्छा, मरे हुओं के जी उठने के विषय में एक्चुअली ये वचन है, वो बोलना चाह रहा है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं फिर से, परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा? कौन सा वचन? जो परमेश्वर ने तुमसे कहा। कहां कहा? हमने देखा ऊपर में कहां कहा था, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। मतलब मरे हुओं में से जी उठने वाला वचन है। जब परमेश्वर बोलता है मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, यह वचन जो है क्या है? मरे हुओं में से जी उठने के विषय में कुछ रेवलेशन देता है। नीचे क्या लिखता है? वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है। वह मरे हुए को नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है। और ऊपर में क्या लिखा है? पुनरुत्थान के विषय में है, जी उठने के विषय में है। तो अब्राहम का परमेश्वर, ईसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर बोलने का मतलब ये लोग जो हैं शारीरिक रूप से तो मर गए। मैं उस स्टेटमेंट बोलने के लिए मुझे बहुत ही कठिन हो रहा है, आप लोगों को बोलूंगा तो आप समझने नहीं पाएंगे, लेकिन उसका एक लेयर का बात को सिर्फ बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं इसके लिए। अब्राहम, इसहाक और याकूब, इन लोगों को पुनरुत्थान का सामर्थ्य का टेस्ट मिल चुका था, वो टेस्ट कर चुके थे लोग। इसीलिए बोलता है कि मैं मरे हुओं का परमेश्वर नहीं हूं, मैं जीवतों का परमेश्वर हूं। अब्राहम लोग नहीं मारे थे क्या? मारे थे, और पुनरुत्थान का सामर्थ्य का टेस्ट का भी भूखे प्यासे थे। इसीलिए कनान देश जो प्रतिज्ञा का देश है उसमें सारा एरिया को छान नहीं मार रहे, लेना नहीं चाह रहे, लेकिन कब्र को जमीन को पैसा देके खरीद रहे हम लोग। क्यों कब्र का जमीन को लोग पैसा देके खरीद रहे थे? अभी आपको समझ में आया। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य एक है, वहां तक का रेवलेशन आ गया है इन लोगों पर। इसीलिए पुनरुत्थान का सामर्थ्य कहां पर आएगा, है ना? वो कब्र में आएगा। हम लोग उसी को टेस्ट करने के लिए आज वेट कर रहे हैं। यीशु मसीह को दिल में ग्रहण किए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं यीशु मसीह आएगा। जो मृतक रहेंगे वो लोग जी उठेंगे, जो लोग जीवित रहेंगे प्रभु में रहेंगे वो लोग बदल जाएंगे पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा से, रिजरेक्शन पावर। और अब्राहम, इसहाक और याकूब इस पावर को टेस्ट करना चाह रहे थे, इसलिए वो लोग, अब्राहम ने कब्र खरीद लिया, याकूब बोलता है मुझे जाके बाप जो कब्र खरीदा है उसमें दफनाना, इसहाक को दफनाया गया वहां पर, यूसुफ को भी मिल गया रेवलेशन, बोला मेरा हड्डियों को लेके जाना। प्रेज गॉड, हालेलुया। सोचिए कि एक सिंपल प्रतिज्ञा अब्राहम को दिया, उत्पत्ति उसका 12 उसका 1-2-3 में जो देखते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक देश दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन सिंपल सा बात से उसने लेयर बाय लेयर निकाल के वहां से घुस के उसने स्वर्गीय देश के विषय में झांकना चालू कर दिया, स्वर्गीय नगर के विषय में झांकना चालू कर दिया। ओके, और इसके कारण से ये भी पुनरुत्थान का सामर्थ्य को भी इन्होंने टेस्ट कर लिया अपने जनरेशन में। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये सब बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहन। तो इसीलिए डायमेंशंस ऑफ गॉड्स प्रॉमिस ये बहुत गहरा है। इसलिए आप जब परमेश्वर का प्रतिज्ञा को उठाते हैं, मैं इस वचन को इसलिए ला रहा हूं कि जब परमेश्वर का प्रतिज्ञा को उठाइए, है ना, तो प्रतिज्ञा यीशु मसीह के नाम में हां और आमीन में है। पिछले सप्ताह हमने बताया कि क्या चीज करने से हम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में अपना सकते हैं, उसको ले सकते हैं, और उसकी प्रतिज्ञा कितनी गहरी है आज के हम लोग आज के एपिसोड में हम लोग देखने को पाया। प्रेज गॉड, ये जो प्रतिज्ञा जो है नया देश, ओके, नया नगर, है ना, उस समय में ये लोग प्रकाशन के द्वारा से पाए, लेकिन नया नियम में के लोग हम लोग लिखित रूप में हमको दे दिया, पता नहीं हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये लोग तो खोजी थे, है ना। इसीलिए दूसरा पत्रस उसका 3:12-13 में देखिए, लिख के दिया है हम लोगों को, वो लोग को लिख के दिया हुआ नहीं था, वो लोग खोजे, लेकिन हम लोग को लिख के दिया है, पढ़ेंगे। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए,
और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हाँ? जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हाँ, हम लोग प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास। हम लोग लिखा गया है इसका आस करते हैं, लेकिन ये लोग लिखा हुआ नहीं था। इसहाक, अब्राहम, हम लोग देखते हैं याकूब, ये लोग इसका आस उस समय से करते थे, झांक लिया था ना, देख लिया था, इसीलिए उनका जीवन शैली अलग था, तंबुओं में वास करते थे। इसीलिए परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर कहने के लिए उसने नहीं लजाया, नहीं शर्माया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा अंदर में तह में कैसे छलांग मारे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यही घोषणा करता हूं और प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, बाइबल पढ़िए, प्रतिज्ञाओं को उठाइए। आज के बाद मैं प्रतिज्ञा आपको सुंदर लगेगा, उसको पढ़ने के लिए अच्छा लगेगा। प्रतिज्ञाओं को उठाइए, कितने सारे प्रतिज्ञा है, और उसके अंदर में जाइए और हरकत वैसे कीजिए, अंदर का रेवलेशन के अनुसार हरकत कीजिए, मेरा बोलना है। और देखिए कि परमेश्वर को कैसे टेस्ट करेंगे। प्रभु बोलते चख के देखो कि यह कैसा भला है। प्रेज गॉड। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष करें। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु परमेश्वर पिता आपने बड़े ही गंभीर और गहरी बातों को प्रभु जी आपने प्रकाशित किया और बताया। प्रभु जी लॉर्ड, सचमुच में प्रभु जी आपका प्रतिज्ञा जो है, प्रोमिसेस है, यीशु मसीह के नाम में हाँ और आमीन में है। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, प्रभु जी उसमें कितना रस है, उसमें कितना गहराई है, उसमें कितना प्रभु जी लेयर्स है, प्रभु जी उसमें कितना डायमेंशन है, आयाम है। प्रभु जी हमें रिवील कीजिए, प्रकट कीजिए, बताइए इन अंतिम दिनों के लिए जो प्रतिज्ञा है उसमें से और क्या क्या बातों को हम निकाल सकते हैं प्रभु जी, और उसी के अनुरूप हमारे जीवन शैली को भी परमेश्वर ढाल दीजिए, ताकि हम अब ऐसे ही जिंदगी को जीने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव में देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू। निश्चय परमेश्वर आपको आज के इस दिन में आशीष की हम विश्वास करते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए और नेक्स्ट वीक फिर हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आमेन।